एक दशक से अधिक समय से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी कैंपस नहीं बन पाया है। सीयू को लेकर एबीवीपी के चलो धर्मशाला आंदोलन में सैकड़ों कार्यकर्ता उमड़े। एबीवीपी ने सीयू कैंपस से कचहरी अड्डा तक रैली निकाली। वहीं सरकार को चेताया कि यदि सीयू स्थायी कैंपस निर्माण की ओर कदम नहीं उठाए गए तो चलो धर्मशाला की तर्ज पर एबीवीपी चलो शिमला और चलो दिल्ली आंदोलन छेड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। एक दशक से अधिक समय से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी कैंपस नहीं बन पाया है। सीयू को लेकर एबीवीपी के चलो धर्मशाला आंदोलन में सैकड़ों कार्यकर्ता उमड़े। एबीवीपी ने सीयू कैंपस से कचहरी अड्डा तक रैली निकाली। वहीं सरकार को चेताया कि यदि सीयू स्थायी कैंपस निर्माण की ओर कदम नहीं उठाए गए तो चलो धर्मशाला की तर्ज पर एबीवीपी चलो शिमला और चलो दिल्ली आंदोलन छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। एबीवीपी ने सीयू निर्माण को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार सहित सीयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एबीवीपी के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कहा कि सीयू के स्टूडेंट्स मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पढ़ने को मजबूर हैं। शिलान्यास के नाम पर स्टूडेंट्स को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में एबीवीपी आंदोलनरत है। सीयू के स्थायी कैंपस को लेकर आज चलो धर्मशाला आंदोलन शुरू किया गया है। सरकार ने अतिशीघ्र इस ओर कदम न उठाए तो चलो धर्मशाला के बाद चलो शिमला और चलो दिल्ली तक आंदोलन के लिए एबीवीपी मजबूर होगी। ढकोसलेबाजी नहीं चलेगी। सरकार कोई भी हो, एबीवीपी छात्र हित की मांगों को उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। देखिए, 10 साल बीत जाने के बाद भी आज हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र किस प्रकार से अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर वहां पढ़ाई कर रहा है। चाहे स्थायी परिसर की बात की जाए तो स्थायी परिसर के नाम पर, शिलान्यास के नाम पर किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम, छात्रों को बेवकूफ़ बनाने का काम ये वर्तमान की सरकारें कर रही हैं, उसके खिलाफ दमन पैदा करते हुए विद्यार्थी परिषद आज आंदोलनरत है। और चलो धर्मशाला मार्च के नाम से आज विद्यार्थी परिषद ने पूरे धर्मशाला के शिक्षण संस्थानों के साथ साथ, चाहे हम लोग देहरा कैंपस की बात करें, शाहपुर की बात करें या फिर कांगड़ा की बात करें, ऐसे संगठनात्मक जिला कांगड़ा से अलग अलग शिक्षण संस्थानों से छात्र एकत्रित हुआ है और उसका एक ही मुद्दा है कि इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर का निर्माण जल्द शुरू हो। इस स्थायी कैंपस को लेकर विद्यार्थी परिषद लड़ाई लड़ रही है और आज कैंपस को लड़ाई को लेकर आज स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस कैंपस के निर्माण को लेकर प्रदेश की सरकार को जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाना होगा। ये इस हुंकार की हमारी विद्यार्थी परिषद की रैली का मकसद है। देखिए, विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए, शिक्षा संबंधित मुद्दों के लिए हमेशा से सदैव तत्पर रहा है और छात्रों के हितों की जहां बात आई है तो उसके लिए चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या कोई तीसरा फ्रंट हो, विद्यार्थी परिषद उन छात्रों की बातों को, उन छात्रों के हितों की बातों को सदैव तत्पर रखने का कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा चाहे सरकार किसी भी विचार की हो। यही बात है कि सिर्फ ढकोसलेबाजी या बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलने वाला है। इस प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र किस प्रकार से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, आपको जानना होगा या आपको पहचानना होगा कि आज छात्र किस प्रकार से वहां पर चार कैंपसों में जहां स्कूलों से भी कम सुविधाएं लेकर बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, ये आपको पहचानना होगा। अगर आप ऐसा पहचानने में असमर्थ रहते हैं तो विद्यार्थी परिषद आज चलो धर्मशाला के मार्च से, कल यही चलो शिमला के मार्च से होगा और आने वाले समय में अगर फिर भी ये सरकार, अगर वर्तमान की सरकार कोई सकारात्मक कदम इस स्थायी निर्माण को नहीं उठाती है तो हम लोग चलो दिल्ली मार्च के नाम से विद्यार्थी परिषद कोई ऐसा कार्यक्रम आने वाले समय में करने में जो है कोई भी नहीं करेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।